हाँसी जिला पुलिस का एक और कदम महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए। आज जिला हाँसी पुलिस प्रमुख वीरेंद्र सागवान ने सचिवालय से पुलिस महिला वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन स्कूल व कॉलेज जो छात्राओं के हैं वहां तैनात रहेगी और अगर कोई छात्रा के साथ छेड़छाड़ करेगा या महिलाओं पर अत्याचार करेगा ये पुलिस कर्मी महिला उनके साथ सख्ती से निपटेगी। यह वाहन शहर में सुबह 8 बजे से शाम तक गश्त करेगी। रवाना की है पुलिस की महिला की, ये क्या है मामला था जी? ये आज हमारे एसपी साहब श्री वीरेंद्र सांगवान ने हरी झंडी दिखा के महिलाओं के अपराध पर अंकुश लगाने के लिए स्पेशल पीसीआर का पुनर्गठन किया है जिसको हरी झंडी दिखा के रवाना किया। तो ये कहाँ कहाँ इनकी और यही तैनाती? ये शहर हाँसी के अंदर खासकर जहां जहां महिलाओं का स्कूल व कॉलेज व अन्य जगह जो महिलाओं का आवागमन ज्यादा है वहां पर ज्यादा से ज्यादा गश्त करके महिलाओं को अपराध मुक्त हाँसी बनाने के लिए ये काम किया है। तो शायद ये तो नहीं है कि ये वैन है ये अपराधियों की ठुकाई करेगी? नहीं, को पकड़ने की धरपकड़ के लिए तो स्पेशल बनाई है। जहां जहां ये महिलाओं के साथ जो छेड़खानी होती है कोई और अन्य काम होते हैं उनको अपराध मुक्त बनाने के लिए स्पेशल बनाई है। ये लगातार सुबह 8 से और शाम 8 बजे तक लगातार ड्यूटी करेगी। तो ये कहीं अपराध होता है और फोन जाते हैं इनके पास तो कितने देर में अपराध होता है ये तुरंत पूछेगी। ये शहर के अंदर ही है जहां जहां जो भीड़ भाड़ा इलाका और जो अपराध की जो सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचेगी। जितनी जल्दी होगी जल्दी जल्दी पहुंच के जो उसको काबू करेगी। तो उनका हेल्पलाइन नंबर जारी किया कोई हेल्पलाइन नंबर पीसीआर का अलग से नहीं क्या? हेल्पलाइन तो हमारी जो 10-91 कॉल वगैरह है उनको भी ये डील कर लेंगे साथ के साथ। इसके अंदर एक एसआई है, 3 अन्य लेडीज महिलाएं हैं तो ये बना के तो उन्हें रवाना किया है हमारे एसपी साहब ने।